नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सभी ज्ञान सीखते रहो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप पे आया हुआ कोई भी मैसेज या फिर गूगल में खुला हुआ कोई भी न्यूज़ या कोई भी स्टोरी को ऑडियो में कैसे सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन को दबाकर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए नई नई वीडियो डालते रहता हूँ जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। और साथ ही घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री होता है। और जो फ्रेंड्स मेरे इस यूट्यूब चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप पे आया हुआ कोई भी मैसेज या कोई भी गूगल में खुला हुआ न्यूज या कोई भी कहानी को ऑडियो में कैसे सुनते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अगर जो आप पूरा नहीं देखिएगा तो कुछ समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा समझने के लिए बाकी रह जाएगा। तो इसलिए आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ऐप को हम आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके और कैसे यूज करना है वो भी मैं आपको बता दूँगा। तो आप चाहे तो इस ऐप को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी इस ऐप को आप आसानी से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप आसानी से इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से करके दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है T2S। तो देख लीजिए हम टाइप कर देते हैं T2S और टाइप करने के बाद फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पे आ गया। तो हम इसी को सर्च बार में डाल के सर्च कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ऐप को मैंने पहले से ही इंस्टॉल किए हुए थे, लेकिन हमें इस ऐप के बारे में आप लोगों को समझाना था तो इसलिए हम इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिए थे और फिर से इंस्टॉल करेंगे ताकि आप लोगों को सारी सेटिंग को मैं आसानी से और बढ़िया तरीके से समझा सके और सारी सेटिंग आपको समझ में आ जाए, इसीलिए हम इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिए थे। तो चलिए इस ऐप को हम फिर से इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस ऐप को 100,000 लोगों ने डाउनलोड किया है और 4.3 की रेटिंग है जो कि काफ़ी बढ़िया रेटिंग मानी जाती है। और फ्रेंड्स, इस ऐप की साइज़ की बात की जाए तो साइज़ भी छोटा है, 2.33, मतलब कि ये 2.5 MB से भी कम का है फ्रेंड्स। लेकिन है तो इस ऐप का साइज़ छोटा, लेकिन काम बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। इस ऐप की मदद से आप चाहे तो कोई भी लंबा मैसेज को आप ऑडियो में करके कम टाइम में आप पता लगा सकते हैं कि क्या मैसेज आया। और इस ऐप की मदद से आप कोई भी लंबे मैसेज को आप ऑडियो में करके आप सुन सकते हैं और सेम उसी टाइम में आप कोई दूसरे ऐप को भी यूज कर सकते हैं। वैसे आप व्हाट्सएप में कोई भी मैसेज को पढ़ते होंगे तो उस जिस टाइम आप मैसेज को पढ़ते होंगे उस टाइम आप दूसरे ऐप को यूज आपको करने में नहीं बनता होगा, लेकिन इस ऐप की मदद से आप उस मैसेज को भी पता लगा सकते हैं कि क्या मैसेज आया और सेम उसी टाइम में आप दूसरे ऐप को भी यूज कर सकते हैं। आप कोई भी गूगल में खुला हुआ कोई न्यूज़ को आप ऑडियो में सुन सकते हैं। तो आप इस ऐप का स्क्रीनशॉट देख लीजिए, इस तरह से है। तो इस ऐप की मदद से आप कोई भी आपको जो भी मैसेज को पढ़ने में अगर जो 10 मिनट लगता है तो उस मैसेज को आप 6 मिनट में ही आप पता लगा सकते हैं कि क्या मैसेज आया, या 7 मिनट, चलिए कम से कम है तो उससे बढ़िया आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और पता भी चल जाएगा कि क्या मैसेज आया। तो देखिए इस ऐप को हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि कैसे यूज करना है। तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इस ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो चलिए इसमें हम कुछ टाइप कर लेते हैं। चलिए हम अपना चैनल का नाम टाइप कर लेते हैं, सभी ज्ञान सीखते रहो। तो अब हम यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे
जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑडियो में सुनाएगा। आपको अजीब सा लग रहा होगा, इसका आवाज़ थोड़ा ख़राब लग रहा होगा क्योंकि अभी इसमें सेटिंग करना बाकी है। तो देख लीजिए, हम इसमें सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे, कोने में जो सेटिंग का आइकन है तो इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ स्पीच लैंग्वेज का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको कई लैंग्वेज आपको मिल जाता है। तो आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना वो आप कर लीजिए, आपको बहुत सारे लैंग्वेज मिल जाता है। तो चलिए हम हिंदी इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ मोर लैंग्वेज पे क्लिक करके आप इसमें भी हम हिंदी इंडिया कर लेते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल, मतलब कि ये जो वॉइस जो आएगा वो फीमेल के आवाज़ में आएगा। तो चलिए अब हम सेम इसी चीज़ को अब हम फिर से सुनेंगे। अब देख सकते हैं आवाज़ कितना बढ़िया निकलेगा। सभी ज्ञान सीखते रहो। अब देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया आवाज़ निकला, अब पहले से कितना बढ़िया निकल रहा है। तो फ्रेंड्स ये तो था कोई भी मैसेज को टाइप करके ऑडियो में सुनने का तरीका। अब मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कोई भी व्हाट्सअप मैसेज को ऑडियो में सुन सकते हैं। तो बस आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा क्योंकि अभी बहुत ट्रिक आपको बताने का हमें बाकी है। तो देखिए सबसे पहले हम अपना व्हाट्सअप ओपन करेंगे और कोई भी मैसेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए कोई छोटा मैसेज को ही हम कर लेते हैं ताकि आपका कम टाइम लगे। तो हम ये मैसेज को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और वो ऐप में हमें जाके पेस्ट कर देना होगा। देख लीजिए यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हम इसी को ऑडियो में सुनते हैं। कौन कहता है कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली शानदार होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी बड़ा मैसेज को भी आप सुन सकते हैं। मैं तो आपको छोटा मैसेज को इसलिए सुनाया ताकि आपका कम टाइम लगे। तो इस तरह से आप सुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो तरीका था कि व्हाट्सअप से आप कॉपी करेंगे, फिर से इस ऐप में लाके पेस्ट करेंगे, तब आपको फिर ऑडियो में सुनाएगा। तो इसमें थोड़ा आपको दिक्कत लगता होगा लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको इस ऐप में लाके पेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप व्हाट्सअप में ही उस मैसेज को ऑडियो में सुन सकते हैं। तो वो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको एक सेटिंग करना होगा। तो देखिए हम फिर से यहाँ सेटिंग के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपी टू स्पीक का जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ से हमें ऑन कर देना होगा, अभी ऑफ है। तो देख लीजिए हम ऑन कर देते हैं और ऑन हम कर दिए, अब हम कोई भी मैसेज को व्हाट्सअप में ही सुन सकते हैं, अब हमें इस ऐप में लाके पेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो देख लीजिए हम फिर से व्हाट्सअप ओपन कर देते हैं, अब हम ये मैसेज को कॉपी कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड जैसे हम इस मैसेज को कॉपी करेंगे तो यहाँ पे एक आइकन आ जाएगा और उस आइकन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें ऑडियो में सुनाने लगेगा, मतलब कि हमें उस ऐप में जाके पेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो देखिए हम कॉपी कर रहे हैं और वो आइकन आ जाएगा, हम उस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए आ गया। कौन कहता है कि पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, बस दूसरी वाली शानदार होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम कैसे आसानी से व्हाट्सअप में ही कोई भी मैसेज को ऑडियो में सुन रहे हैं, तो उस ऐप में हमें जाके पेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो था कि व्हाट्सअप मैसेज को ऑडियो में सुनने का तरीका, आप बड़ी बड़ी मैसेज को भी ऑडियो में सुन सकते हैं। लेकिन अब मैं तरीका बता रहा हूँ कि गूगल में कोई भी खुला हुआ न्यूज़ या कोई भी स्टोरी को ऑडियो में कैसे सुनते हैं, तो वो भी मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए हम सबसे पहले अपना क्रोम को ओपन कर लेते हैं और चलिए अभी ये मेरे पेज कोई खुला हुआ है कृष्ण का स्टोरी, तो मैं इसी को ही आपको करके दिखा देता हूँ ऑडियो में सुना के। तो आपको जितना भी आपको सुनना है उतना आप कॉपी कर लीजिए, मैं आपको छोटा सा ही कॉपी करके सुना के आपको दिखाता हूँ ताकि आपका कम टाइम लगे। तो देखिए हम जैसे ही कॉपी करेंगे तो यहाँ पे एक आइकन आएगा और उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो सुनाने लगेगा। तो देखिए आ गया। कृष्ण इतने बहुआयामी है कि उनके आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें बिल्कुल अलग अलग रूप में देखा था। आइए जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग उनके बारे में क्या कहते थे, साथ ही जानते हैं उनकी कुछ लीलाएं।
तो फ्रेंड्स ये तरीका था कि कोई भी आप न्यूज़ या स्टोरी को भी ऑडियो में सुन सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप कोई भी मैसेज या कोई भी न्यूज स्टोरी को फास्ट में कैसे सुनेंगे। तो देख लीजिए वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि इसका बोलने का स्पीड कैसे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए आपको फिर से वो ऐप में कुछ सेटिंग करना होगा, वो मैं करके आपको दिखा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। तो देख लीजिए फिर से हमें यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना होगा और आप यहाँ देख सकते हैं स्पीच रेट का ऑप्शन है अभी जो है 1.0x जो कि नॉर्मल है, ठीक ठाक है। आप यहाँ से आप अपने जो बोलने का स्पीड है वो आप बढ़ा सकते हैं, तो आप बढ़ा लीजिए 1.3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, तो आपको जितना भी रखना है। लेकिन फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा कि जितना आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आवाज़ उतना स्पीड में तेज़ी से बोलेगा, तो हो सकता है आपको कुछ समझ में नहीं भी आए, तो आप उतना ही बढ़ाइए जितना में कि आपको आवाज़ समझ में आ जाए। तो 1.5 तक तो ठीक ही होगा, चलिए 1.5 मतलब इतना तक भी बढ़ा के आप सुन सकते हैं। अब जो बोलेगा वो फास्ट में बोलेगा, अब इस तरह से आप कोई भी मैसेज को आप कम टाइम में भी आप समझ सकते हैं। तो ये तरीका था अपने आवाज़ को स्पीड को बढ़ाने का। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कोई भी मैसेज या कोई भी पेज में खुला हुआ स्टोरी को आप ऑडियो में करके सुन सकते हैं। तो हमें उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों से फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी सभी फ्रेंड्स को भी कोई भी व्हाट्सएप मैसेज या कोई भी गूगल में खुला हुआ स्टोरी या न्यूज़ को ऑडियो में सुनने का तरीका आ जाए। तो इसी तरह का बहुत सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए नई नई वीडियो और सीखिए नई नई ज्ञान। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।